दिल्ली में चल रहे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन रक्षा मंत्री अपनी बात रखेंगे। पिछले 3 दिन से दिल्ली में देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर मंथन हो रहा है। एलएसी पर चीन से तनाव के बीच दिल्ली में हो रही आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। राजनाथ का दोपहर 3:30 बजे संबोधन होगा। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मौजूद रहेंगे। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल होंगे। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का आज 3रा दिन है। इसमें सीमाओं की सुरक्षा पर मंथन हो रहा है। जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर चर्चा हो रही है। सेना के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल और एकीकरण को मजबूत बनाने के उपायों पर भी चर्चा हो रही है। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कल यानी 28 अक्टूबर तक चलेगी। ये 2021 की दूसरा आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस है। हर साल अप्रैल और अक्टूबर महीने में इसका आयोजन किया जाता है। बता दें कि आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वैचारिक स्तर पर विचार विमर्श के लिए एक संस्थागत मंच है, जिसके जरिए सेना महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर मंथन करती है। ये कॉन्फ्रेंस रक्षा विभाग और सैन्य मामलों से जुड़े विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा के लिए सेना के वरिष्ठ नेतृत्व का एक औपचारिक मंच भी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार 9:00 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।